स्वागत है, अभिनंदन है। आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महाराजा सुहेल देव जी के वनवासी साथी, जिन्होंने उनकी गौरव यात्रा में उनका साथ दिया, वे थारू वनवासी गौरव गाथा लेकर हम सबके समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रस्तुति संस्कृति विभाग द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया इस पे एक दृष्टि डालकर इन कलाकारों को आशीर्वाद दें। सुनिए वीर सुहेल देव की गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी। गजनी से बहराइच तक आ पहुंचे क्रूर लुटेरे, उनके लिए सुहेल देव ने रचे मौत के घेरे। सभी दरिंदे फंसे व्यूह में मांगे मिला न पानी, सभी दरिंदे फंसे व्यूह में मांगे मिला न पानी। सुनिए वीर सुहेल देव की, सुनिए वीर सुहेल देव की गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी। डोल रही थी है बानों का नाम मिटा दो, जनता बोल रही थी। कटे शीश तो लाल हो गई पुण्य धरा यह धानी, कटे शीश तो लाल हो गई पुण्य धरा यह धानी। सुनिए वीर सुहेल देव की, सुनिए वीर सुहेल देव की गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी। भीषण रण में ढेर हो गए हमलावर अभिमानी, भीषण रण में ढेर हो गए हमलावर अभिमानी। सुनिए वीर सुहेल देव की, सुनिए वीर सुहेल देव की गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी। आज युवाओं को सच्चा बताना होगा, सबके मन में सबल राष्ट्र का भाव जगाना होगा। मोदी योगी से जो रहे वीरों की अमिट निशानी, मोदी योगी से जो रहे वीरों की अमिट निशानी। सुनिए वीर सुहेल देव की, सुनिए वीर सुहेल देव की गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी। बहुत बहुत आभार माननीय इन कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए। और मैं निवेदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वीर शिरोमणि महाराजा सुहेल देव जी के जीवन पर आधारित इस वृत्त चित्र पर एक नज़र डालकर हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही अध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। यहाँ अवतारों के साथ ऋषियों, योगियों और तपस्वियों ने देश दुनिया को भारत के गौरव से परिचित कराया, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने
बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। ऐसे ही पराक्रमियों में एक नाम महाराजा सुहेल देव का है। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेल देव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ थारू, बंजारा सहित अनेक समूहों एवं राजाओं का संघ बनाकर कौड़ियाला नदी के तट पर चित्तौरा के युद्ध में विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेल देव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। महाराजा सुहेल देव देश के उन वीरों में रहे हैं जिन्होंने मां भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया। महाराज सुहेल देव जैसे नायक जिनसे हर वंचित, हर शोषित प्रेरणा लेता है, उनका स्मरण भी तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और नई शक्ति देता है। बहराइच में महाराजा सुहेल देव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेल देव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में होने जा रहा है। हम बड़े सम्मान के साथ महाराज सुहेल देव का स्मरण करते हैं और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि 1000 वर्ष के बाद महाराज सुहेल देव को सरकार के द्वारा इस प्रकार का सम्मान दिया जा रहा है। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। बहुत बहुत आभार मानी आपके अवलोकनार्थ और मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत वंदे वंदे। महाराजा सुहेल देव इस स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस तराई के क्षेत्र की जनता को जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, बहराइच के प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद से ब्रजभूषण शरण सिंह जी, माननीय सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी,
माननीय सांसद श्री सकल दीप राजभर जी, माननीय विधायकगण श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्रीमती माधुरी वर्मा जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री पदम सिंह चौधरी जी, माननीय विधायक विजय राजभर जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए उपस्थित महानुभाव, महाराजा सुहेलदेव स्मारक समिति से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम के प्रणेता, मार्गदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती सरस्वती का पावन दिवस है और आज का दिन इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इस धरती पर करने वाले धर्मरक्षक, राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शिलान्यास का कार्यक्रम कुछ ही देर में संपन्न होने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहराइच में आज से 4 वर्ष पहले एक मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र की आरोग्यता के लिए दिया गया था। वह मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हुआ है और मेडिकल कॉलेज का नाम भी हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर ही रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मेडिकल कॉलेज का भी आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। हम जब महाराज सुहेलदेव की इसका स्मरण करते हैं तो इसके साथ ही हमें महर्षि बालार्क का भी स्मरण होता है, जिनकी प्रेरणा से इस क्षेत्र के राजाओं ने एकत्र होकर के महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में उस समय के बर्बर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ इतिहास की एक ऐसी लड़ाई को लड़ा था, जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण अगले 150 वर्षों तक भारत पर किसी भी विदेशी आक्रांता के द्वारा हमला करने का दुस्साहस नहीं हुआ था। वह ऋषि महाराज यहां पर बालार्क ऋषि के रूप में इस बहराइच को एक नई पहचान देने वाले महाराज बालार्क के नाम पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ के जिला चिकित्सालय का नामकरण भी प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया और उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 फरवरी को देश की आजादी के लिए लड़ने वाले देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि को व्यक्त करते हुए गोरखपुर के चोरी चोरा महोत्सव के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। चोरी चोरा महोत्सव के कार्यक्रम की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के कारण हर एक शहीद स्मारक पर कार्यक्रम चल रहे हैं।
एक कार्यक्रमों की जो एक नई श्रृंखला प्रारंभ हुई है, 1000 वर्ष के बाद महाराजा सुहेलदेव का स्मरण पहली बार किसी सरकार के द्वारा हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही 2018 में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट को भी परिचालन में लाकर के महाराजा सुहेलदेव के प्रति भारत की श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का कार्य किया था। और आज चित्तौड़ा नामक उस स्थान पर जहां पर यह महान युद्ध आज से 1000 वर्ष पूर्व लड़ा गया था, उसी स्थल पर एक भव्य स्मारक का शिलान्यास कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जो यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की जो बात कही है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करते हुए न केवल शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, सुरक्षा और सम्मान का भाव समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, बल्कि राष्ट्र के उन महानायकों के प्रति भी पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए जहां कहीं भी उनके स्मारक और उनसे जुड़ी हुई स्मृतिका होगी उनकी पुनर्स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में बहराइच के महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शुभारंभ यहां पर होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय इस कार्य के लिए हमें प्रदान किया। आज के इस कार्यक्रम में समाज से जुड़े हुए पूरे प्रदेश के अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोगों की उपस्थिति, महानुभावों की उपस्थिति, सामाजिक संगठनों की उपस्थिति इस अवसर पर यहां पर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन सभी संगठनों, संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की ओर से भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए महाराजा सुहेलदेव की 1012वीं जयंती कार्यक्रम के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव को विनम्र नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और मैं अपने देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि वे कृपया महाराजा सुहेलदेव स्मारक के निर्माण व चित्तौड़ा झील के विकास योजना का शिलान्यास रिमोट का बटन अपने कर कमलों से दबाकर करें। करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच का लोकार्पण अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर करें। बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। मैं भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें, हमें कृतार्थ करें। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे अन्य सहयोगी
विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की ऐसी पावन धरा को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। वसंत पंचमी की आप सभी को, संपूर्ण देश को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करें। आज का दिन विद्या आरंभ और अक्षर ज्ञान के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। हमारे यहां कहा गया है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशाल लक्षी विद्याम देही नमोस्तुते। अर्थात हे महाभाग्यवती ज्ञान रूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दीजिए, मैं आपको नमन करता हूं। भारत की मानवता की सेवा के लिए रिसर्च और इनोवेशन में जुटे, राष्ट्र निर्माण में जुटे हर देशवासी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले, उन्हें सफलता मिले, यही हम सभी की प्रार्थना है। भाइयों और बहनों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, यानी वसंत ऋतु में शीतल मंद सुगंध ऐसी तीन प्रकार की हवा बह रही है। इसी हवा इसी मौसम में खेत खलिहान बाग बगान से लेकर जीवन का हर हिस्सा आनंदित हो रहा है। वाकई हम जिस तरफ देखें तो फूलों की बहार है, हर जीव वसंत ऋतु के स्वागत में खड़ा है। ये वसंत महामारी की निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते भारत के लिए नई उम्मीद नई उमंग लेकर आया है। इस उल्लास में भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के लिए ढाल बनकर खड़े होने वाले महानायक महाराजा सुहेलदेव जी का जन्मोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है। साथियों, मुझे करीब 2 साल पहले गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का अवसर मिला था। आज बहराइच में उनके भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तोरा झील का विकास, बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। साथियों, आज महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेज को एक नया और भव्य भवन भी मिला है। बहराइच जैसे विकास के लिए
आकांक्षी जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ना यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। इसका लाभ आसपास के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर को तो होगा ही, नेपाल से आने वाले मरीजों को भी ये मदद करेगा। भाइयों और बहनों, भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने भारत की लोक गाथाओं में रचा बसा है, जो पीढ़ियों ने आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते रहे हैं। आज जब भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे महापुरुषों का योगदान, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका संघर्ष, उनकी वीरता, उनकी शहादत, इन सब बातों का स्मरण करना, उनको आदरपूर्वक नमन करना, उनसे प्रेरणा पाना, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्य है कि भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। इतिहास रचने वालों के साथ इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया, उसे अब आज का भारत सुधार रहा है, सही कर रहा है। गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है। आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या उनकी इस पहचान को, आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेताजी को मिलना चाहिए था? आज लाल किले से लेकर अंडमान निकोबार तक उनकी इस पहचान को हमने देश और दुनिया के सामने सशक्त किया है। देश की 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने का कठिन कार्य करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ क्या किया गया? देश का हर बच्चा इस बात को भलीभांति जानता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की है, जो हमें प्रेरणा दे रही है। देश के संविधान देने में अहम भूमिका देने वाले वंचित, पीड़ित, शोषित की आवाज बाबा साहब अंबेडकर को भी सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा गया। आज भारत से लेकर इंग्लैंड तक डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, भारत के ऐसे अनेकों सेनानी हैं जिनके योगदान को अनेक वजहों से मान नहीं दिया गया, पहचान नहीं दी गई। चौरी चौरा के वीरों के साथ जो हुआ वो क्या हम भूल सकते हैं? महाराजा सुहेलदेव और भारतीयता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के साथ भी यही व्यवहार किया गया। इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेलदेव के शौर्य, पराक्रम
उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में, लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। सिर्फ वीरता ही नहीं, एक संवेदनशील और विकासवादी शासक के रूप में उनकी छाप अमिट है। अपने शासनकाल में जिस प्रकार उन्होंने बेहतर रास्तों के लिए, पोखरों तालाबों के लिए, बाग बगीचों और शिक्षा के क्षेत्र में काम जो किया वो अभूतपूर्व था, उनकी यही सोच इस स्मारक स्थली में भी दिखने वाली है। साथियों, पर्यटक महाराजा सुहेलदेव जी के जीवन से प्रेरित हो सके इसके लिए उनकी 40 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित होगी। यहां पर बनने वाले संग्रहालय में महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां होगी। इसके भीतर की और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, बच्चों के लिए पार्क बनेगा, सभागार होगा, पर्यटकों के लिए आवास गृह, पार्किंग, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाओं का निर्माण होगा। इसके साथ साथ जो स्थानीय शिल्पकार है, कलाकार है, वो अपना सामान यहां आसानी से बेच पाए इसके लिए दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह चित्तौरा झील पर घाट और सीढ़ियों के निर्माण और सुंदरीकरण से इस ऐतिहासिक झील का महत्व और बढ़ जाएगा। ये सारे प्रयास बहराइच की सुंदरता ही नहीं, सिर्फ सुंदरता बढ़ाएंगे ऐसा नहीं, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। मरी मैया की कृपा से ये कार्य जल्द पूरे होंगे। भाइयों और बहनों, बीते कुछ सालों में देश भर में इतिहास, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति से जुड़े जितने भी स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है, उनका बहुत बड़ा लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देने का भी है। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। चाहे वह भगवान राम का जन्म स्थान हो या कृष्ण का वृंदावन हो, भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या फिर काशी विश्वनाथ, संत कबीर का मगहर धाम या वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का आधुनिकीकरण, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इनके विकास के लिए भगवान राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों जैसे अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, कुशीनगर, श्रावस्ती आदि तीर्थ स्थलों पर रामायण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट, ऐसे अनगिनत सर्किट इसका विकास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, बीते कुछ वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उनका प्रभाव भी नजर आने लगा है। जिस राज्य में अन्य राज्यों से सबसे अधिक पर्यटक आते हैं वो प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में भी यूपी देश के टॉप 3 राज्यों में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक कनेक्टिविटी के साधन भी बढ़ाए जा रहे हैं। भविष्य में अयोध्या का एयरपोर्ट
और कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश विदेशी टूरिस्टों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े दर्जन भर एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है, जिसमें से कई पूर्वांचल में ही है। उड़ान योजना के तहत यूपी के अनेक शहरों उनका काम कीमत वाली हवाई सेवा से जोड़ने का अभियान चल रहा है, कम कीमत से। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, ऐसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें पूरे यूपी में बनाई जा रही हैं। और ये तो एक तरह से आधुनिक यूपी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत है। एयर और रोड कनेक्टिविटी के अलावा यूपी को रेल कनेक्टिविटी भी, वो भी आज आधुनिक हो रही है। यूपी दो बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन है। हाल ही में ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक बड़े हिस्से का लोकार्पण यूपी में ही किया गया है। यूपी में जिस प्रकार आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक प्रोत्साहित है। इससे यहां नए उद्योगों के लिए तो बेहतर अवसर बन ही रहे हैं, यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश यह काम हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्पना करिए, अगर यूपी में हालत बिगड़ते तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की बातें की जाती। लेकिन योगी जी की सरकार ने, योगी जी की पूरी टीम ने बेहतरीन तरीके से स्थिति को संभाल करके दिखा दिया। यूपी न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा, बल्कि बाहर से लौटे श्रमिकों को रोजगार देने में भी यूपी ने प्रशंसनीय काम किया है। भाइयों और बहनों, कोरोना के खिलाफ यूपी की लड़ाई में पिछले 3-4 वर्षों में किए गए कार्यों का बहुत योगदान रहा है। पूर्वांचल को दशकों तक परेशान करने वाली दिमागी बुखार का प्रभाव यूपी ने बहुत कम करके दिखाया है। यूपी में 2014 तक 14 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 24 हो चुके हैं। साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है। इनके अलावा 22 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में आधुनिक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी अब पूर्वांचल को मिल रही है। यूपी जल जीवन मिशन यानी हर घर जल पहुंचाने के लिए भी प्रशंसनीय कार्य कर रहा। जब शुद्ध पीने का पानी घर घर पहुंचेगा तो इससे अनेक बीमारियां वैसे ही कम हो जाएगी। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में बेहतर होती बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाओं का सीधा लाभ गांव, गरीब और किसान को हो रहा है। विशेष तौर पर छोटे किसान, जिसके पास बहुत कम जमीन होती है, वो इन योजनाओं के बहुत बड़े लाभार्थी हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे लगभग
ढाई करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सीधे पैसे जमा किए जा चुके हैं। ये वो किसान परिवार हैं जो कभी बिजली का बिल या खाद की बोरी खरीदने के लिए भी दूसरों से कर्ज लेने के लिए मजबूर थे, लेकिन ऐसे छोटे किसानों को हमारी सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर कर दिए हैं, उनके खाते में जमा कर दिए हैं। यहां किसानों को बिजली न होने की वजह से जो दिक्कतें आती थी, रात रात भर बोरिंग के पानी के लिए जागना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था कि मेरा नंबर कब आएगा, ऐसी तमाम दिक्कतें भी बिजली आपूर्ति सुधरने से अब दूर हो रही है। साथियों, देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ खेती की जमीन छोटी से छोटी होती जा रही है, इसलिए देश में किसान उत्पादक संघों का निर्माण बहुत आवश्यक है। आज सरकार छोटे किसानों के हजारों किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओज बना रही है। एक दो बीघा के 500 किसान परिवार जब संगठित होकर बाजार में उतरेंगे तो वो 500,000 बीघा के किसान से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। इसी प्रकार किसान रेल के माध्यम से सब्जियां, फल, दूध, मछली और ऐसे अनेक व्यवसायों से जुड़े छोटे किसानों को अब बड़े बाजारों से जोड़ रहा है। जो नए कृषि सुधार किए गए हैं, इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। नए कानूनों के लागू होने के बावजूद यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में 2 गुने किसानों का धान खरीदा गया। इस बार करीब 65,00,000 मैट्रिक टन की खरीद यूपी में हो चुकी है, जो बीते साल की तुलना में लगभग 2 गुनी है। यही नहीं, योगी जी की सरकार गन्ना किसानों तक भी बीते सालों में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचा चुकी है। कोरोना काल में भी गन्ना किसानों को दिक्कत ना आए, इसके लिए हर संभव मदद दी गई है। चीनी मिले किसानों को भुगतान कर पाए, इसके लिए केंद्र ने भी 1,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिए हैं। गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होता रहे, इसके लिए योगी जी की सरकार के प्रयास जारी है। भाइयों और बहनों, सरकार की यह हर संभव कोशिश है कि गांव और किसान का जीवन बेहतर हो। किसान को, गांव में रहने वाले गरीब को परेशानी ना हो, उसको अपने मकान पर अवैध कब्जे की आशंका से मुक्ति मिले, इसके लिए स्वामित्व योजना भी आज पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आज तक यूपी के करीब 50 जिलों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे चल रहा है। लगभग 12,000 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अभी तक 2,00,000 से ज्यादा परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड यानी
घरौनी मिल चुका है, यानी ये परिवार अब हर प्रकार की आशंका से मुक्त हो चुके हैं। साथियों, आज गांव का गरीब किसान देख रहा है कि उसके छोटे से घर को बचाने के लिए, उसकी जमीन को बचाने के लिए पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है, इतना बड़ा रक्षा कवच हर गरीब को, हर किसान को, हर ग्रामवासी को दे रहा है। इसलिए जब कोई कृषि सुधारों के माध्यम से किसानों की जमीन छीन जाने का झूठ फैलाता है तो उस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। हमारा लक्ष्य देश के हर नागरिक को समर्थ बनाने का है। हमारा संकल्प देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए समर्पित भाव से हम जुटे रहेंगे। मैं रामचरितमानस की एक चौपाई से ही अपनी बात समाप्त करूंगा। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रबीसी नगर कीजे सब काजा, प्रबीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भावार्थ ये कि हृदय में भगवान राम का नाम धारण करके हम जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित सफलता मिलेगी ही। एक बार फिर महाराजा सुहेलदेव जी को नमन करते हुए आपको इन नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए, योगी जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम में एक अभूतपूर्व गरिमा प्रदान की। हृदय से आभार, धन्यवाद। थे बहराइच उत्तर प्रदेश में इसका